पर इसमें ये कि आप जब श्रीराम की बात जो कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके लोगों ने कहा है कि जो श्रीराम का नाम लेते हैं हत्यारे हैं, उनको श्रीराम का नाम लेते हैं हत्या करते हैं, क्या श्रीराम का नाम लेने वाले सारे हत्यारे तो हो नहीं सकते? देखिए, हम भी जो दुर्गा पूजा हम करते हैं अक्टूबर सितंबर में, हाँ, तिथि आती है, हाँ, कभी कभी वो हम बोलते हैं अकाल बुधन, अर्थात जो सही वक्त में दुर्गा पूजा हुआ था माइथोलॉजी में, ये उससे अलग तारीख पे। क्यों? जब राम जी जा रहे थे लंका रावण से युद्ध करने के लिए, तब माँ दुर्गा को उन्होंने पूजा किया। तो हम जो वही दुर्गा पूजा हम भी करते हैं जो राम जी ने किया था, तो हम भी राम भक्त है। लेकिन भगवान के नाम अंदर होना चाहिए, विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। विश्वास के नाम पे लोगों को चिढ़ाना, हत्या करना, दंगा फसाद करना उचित बात हम नहीं समझते। आपको लगता है बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा बार बार करके उनको लगता है कि कल्चरल यूनिटी करा दो इस वजह से, क्योंकि आप लोगों के ऊपर चार्ज है कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती हैं ज़्यादातर, कि यहाँ पर मुस्लिम वोट 30% हैं और आप क्या करती हैं दुर्गा पूजा के टाइम पर काली की यात्रा के ऊपर बैन लगा देती हैं और मुहर्रम जो उनका निकलता है उसको रोक नहीं देती, आप सब चीज़ों को उन मौलवियों को तनख्वाह देती हैं, पुजारियों को तनख्वाह नहीं देती, ये सब बीजेपी के चार्ज इलेक्शन में लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। लगाने दीजिए ना, बंगाल के लोग जानते हैं हम क्या करते हैं। 30,000 पूजा में ममता बनर्जी 10,000 करके चंदा देती है। 30,000 पूजा में बीजेपी देते हैं। बीजेपी दुर्गा पूजा में यहाँ कहीं भी हिस्सा लिया बंगाल में आके, हमारे लिए दुर्गा पूजा सबसे अहम पूजा है, दुर्गा माता जी का पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। और वैसे भी हम जब राम का नाम लेते थे तो क्या बोलते थे? सिया राम बोलते थे, जय सिया राम बोलते थे। लेकिन अभी ये लोग सीता जी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये महिलाओं को पसंद नहीं करते, इसीलिए ये सिया राम से सीता जी को भी हटा दिया, टीएमसी का स्लोगन, और दुर्गा को भी जलील बोल दिया, दुर्गा माँ दुर्गा को जलील बोल दिया। तो ये माँ दुर्गा इन लोग को रक्षा करेंगे नहीं करेंगे?